तरफ पिच की तरफ चलते हुए और कप्तान का एक चतुराई पूर्ण निर्णय कि लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन उन्होंने भेजा है। छोटा मोटा कितने कम से कम पहली ही गेंद वहां फील्डर मौजूद दोनों ही बल्लेबाजों को रिवर्स खेलना चाहते थे, रन आउट हो सकते हैं और माफ कीजिएगा आउट है, रन आउट हो सकने वाला झेलना रहना और मोरू के बल्ले पर निकलने वाला पहला छक्का लकी के बल्ले से निकलने वाला ये गगन चुंबी लंबा छक्का ग्राउंड पर पहुंचा दें, थोड़ा अपना सहयोग प्रदान करें और निश्चित ही एक और गगन चुंबी छक्का लकी के बल्ले से। तो लकी अगर आता हुआ 33 रन मैच का तीसरा ओवर प्रगति पर और लकी धुआंधार बल्लेबाजी करते हुए और अपनी टीम को एक सशक्त स्कोर की तरफ थोड़ी देर और खेलते हैं तो बहुत घातक साबित हो सकते हैं गला गोटा के लिए और एक और शानदार तरीके से की गई फील्डिंग। जी हाँ, बहुत ही शानदार तरीके से और चौका सेंचुरी लगाने में कामयाब होंगे और मुझे लग रहा है कि हो सकते हैं क्योंकि सिर्फ छक्के में फर्क कर रहे हैं। इस छक्के की मदद से लकी ने अपने 50 रन पूरे किए 54 रनों के ऊपर। बहुत ही शानदार, बहुत ही जानदार बल्लेबाजी लकी के बल्ले से। यहाँ दीपक आप एक नाम भूल गए, रानू गारू भी उस खेमे में मौजूद है, जिले का सर्वश्रेष्ठ ऑलराउंडर जिसे आज की चलो गेंद हवा में फील्डर उसके नीचे और कोई भी गलती नहीं और लकी का दीपक मैंने जैसा कि बोला था कि केवल समीर ही वो बॉलर नजर आ रहे हैं जो सांधी को रोकने में कामयाब हो सकते हैं और समीर ने लगभग वो कारनामा कर दिखाया। गेंद हवा में लगने वाला तीसरा झटका डलवा दिया होता और ये जिन जीते खिलाड़ियों को गेंद सीधी बाहर। जी हाँ, जिस तरीके से डॉट कराई थी तो उन्हें लगा कि हमने डॉट क्यों करा दी है, तो हमने क्रो मार के 4 रन हासिल कराए। नरसिंहपुर की टीम को निश्चित ही लोगों को पहले क्यों नहीं लाया गया और ये कैच हो सकता है, फील्डर उसके नीचे है और बहुत ही शानदार तरीके से कैच छोड़ा गया, बहुत ही शानदार तरीके से, हाथ तक नहीं लगे गेंद में, तारीफ करनी होगी फील्डर की। इस बार किसी प्रकार की कोई गलती नहीं की गई, बैंक को पवेलियन वापस जाना होगा तो अब इंतजार की गाड़ियां खत्म। कप्तान दीपक जाट, हाँ 43 साल के युवा कप्तान, रुपए की नगद राशि प्रदान की जाएगी। श्री शंकराचार्य कप अपने प्रथम वर्ष में जिसके संरक्षक हमारे परम आदरणीय पूर्व विधानसभा अध्यक्ष माननीय एनपी प्रजापति जी और ये नीतीश बोलाड के बल्ले से लगने वाला दूसरा गगन चुंबी छक्का, उससे लंबे लंबे छक्के मारता है नीतीश और प्रमोद महोबिया के दिल की धड़कने और
जी आपके लिए पूरे जोर से धड़क रहे हैं जैसे मेट्रो ट्रेन आ गई। ₹500 की नगद राशि उन्हें विनोद भाई लगा चुके हैं और ये पांचवे की तैयारी लग चुके हैं। लगातार पांच छक्के लगा चुके हैं। देखना है युवराज सिंह के छह छक्कों का जो रिकॉर्ड गिनती माने उसकी बराबरी कर पाते हो कि नहीं। नितेश काफी बड़ा नाम। एक और गगन चुम्बी छक्का नितेश के बल्ले से जी हाँ आधे पिच की लाइन अब तक गेंद को बड़ी मुश्किल से बाउंड्री लाइन के बाहर पहुंचाया कप्तान दीपक जाट ने। वो 11 पे 51 हो पाएंगे क्या नहीं हो पाए हैं लेकिन 47 हो सकते हैं। आप देखिए तोड़ पाए 47 के लिए और रनआउट रनआउट के रूप में लगने वाला पांचवा बल्लेबाजी और सोनू साठ और चार रन। जी हाँ पूरी सहायता करते हुए गड़ागोटा के खिलाड़ी नरसिंहपुर की कि आप जितना बड़ा निर्णय लिया गया है कि जो भी दर्शक जिनके दांतों में दर्द हो। और ये प्रियांश के बल्ले से निकलने वाला एक और छक्का तो 155 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया गया। जो भी दांतों में दर्द हो इलाज कराए बनाने होंगे। तो प्रारंभिक बॉलर अपने कोटे का पहला और टीम का भी पहला ओवर लेके आया प्रद्युम्न। सामना करेंगे जयकांत पहली ही गेंद पर सफलता अर्जित हो सकती थी लेकिन वहां पर एक कैच हिमांशु के द्वारा छोड़ा गया। यहां नायाब मोतियों को एक माला में पुरो दिया है अंकित मानसाटा ने। और जैसा कि मैं आपको बता रहा था गड़ाकोटा के बल्लेबाज सच्चा में जिस तरह बताने में और ये प्रद्युम्न की गेंद का अच्छे ये लगने वाला पहला झटका। तो जी हाँ काफी अच्छी गेंदबाजी प्रद्युम्न के द्वारा अभी तक इस ओवर में। गेंद हवा में शिव कुमार उसके नीचे और कोई गलती नहीं करेंगे। लगने वाला दूसरा झटका प्रियांश पटकी हुई गेंद को हल्के से कट कर दिया। रानू जी इनके पीछे गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर चार रन पीछे का तो लगने वाला ये तीसरा झटका दूसरा टीम का पांचवा ओवर लेके आए शिव और एक और गेंद हवा में पर काफी लंबा छक्का। कुछ चार पांच ओवर की बात करते तो इस मैच का नजारा कुछ और ही होता। अकेले ओमी अपनी टीम के लिए संघर्ष कर रहे हैं। एक और शानदार चौका ओमी के बल्ले से गेंद काफी लाजवाब छक्का समीर के बल्ले से गेंद प्रद्युम्न की सामना करेंगे। ओमी पटकी हुई गेंद को चाटे की तरह मार दिया है। गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर चार रन खेल रहे हैं और पवेलियन वापस आते हुए अपने कप्तान का जो विश्वास
पहली गेंद पर विकेट मिलने के चांसेस और कोई गलती नहीं करते दीपू भैया। क्लीन बोल्ड कर दिया है प्रतीक ने,